Hey, so guys, host Brahm, back with a new video. आज अब हम बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क लिमिटेड आईपीओ के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर एक 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के रील्स देखने को अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें न्यूज़ आएंगी, कुछ अपडेट्स आएंगे। उसके लिए क्या मैं मेरे पर्सनल अकाउंट पे डालूँ या उसके लिए अलग अकाउंट बनाऊँ, आप मुझे बताओ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ओके, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज हम बात करने वाले न्यूयॉर्क लिमिटेड IPO के बारे में। सो न्यूयॉर्क लिमिटेड IPO, तो न्यूयॉर्क करती क्या है? तो बेसिकली वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है अलग अलग तरह के। एग्जाम्पल जो आपका ऑक्सीमीटर होता है, या फिर जो ऑर्थोपेडिक्स में यूज़ करते हैं, बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जो हेल्थ केयर में यूज़ होते हैं, वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर न्यूयॉर्क लिमिटेड बनाती है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली उनका भी डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आप सभी को पता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, एंड इन द कमिंग फ्यूचर आप सभी को पता है हमारी लाइफस्टाइल आजकल कैसे हो गई है, और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है इन द कमिंग फ्यूचर। स्पेशली ये जो न्यूयॉर्क का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ही डिमांड में आने वाला है, पहले भी था अभी भी आने वाला है। ओके, सो डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सो IPO ओपन होगा 15 फेब को, IPO क्लोज होगा 17 फेब को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पर 23 फेब को आएगी, अगर 23 को नहीं आई तो 24 को आएगी। फिर इनिशियल्स ऑफ रिफंड 24 को, यानी अगर आपको नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला तो 24 को आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर अलॉटमेंट लेट हो गई तो रिफंड्स भी डिले हो जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमांड अकाउंट 25 फेब को होगा, और IPO लिस्टिंग होगा 26 फेब्रुवरी को। ओके, तो यहाँ पर शेयर की प्राइस है 396 to 400 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट है 35 शेयर्स का यहाँ पर, एंड इशू साइज जो होगा यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 करोड़ का होगा। तो छोटा IPO है, बहुत ही ज़्यादा छोटा IPO है। सो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो, अगर अच्छा हुआ तो इसे सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। मिनिमम यहाँ पर 14,000 रुपीज़ आपको चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। 35 शेयर्स एक लॉट का होगा, मैक्सिमम आप 1,96,000 तक की यहाँ पर बिड लगा सकते हो फॉर 490 शेयर्स साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये था इसकी इन्फॉर्मेशन। अभी आते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो ये मार्च 18 तक का पूरा ईयर एंडेड के लिए है। सो 31.12 मिलियन रुपीज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सब्सटैंशली ग्रोथ आई है एज़ कम्पेयर टू ये 30 ये सितंबर 20 का जो अपना जो 20 फाइनेंशियल ईयर 20 का जो क्वार्टर है उसका, बस सितंबर 20 तक ही यहाँ पर इसका आया, यानी 21 का जो क्वार्टर है उसका सितंबर 20 तक का ही यहाँ पर डेटा में आप देख सकते हैं इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, एंड आई थिंक दैट्स रियली अ गुड थिंग। सो अगर आप इसे कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, तो यहाँ पर बस आधे साल का ही यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि ये पूरे पिछले सालों के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। अगर हम इसके असेट्स में देखें तो असेट्स में इसकी जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली जंप हुई। अगर ये पहले लिस्टेड होता तो इसका स्टॉक प्राइस भी आप इमेजिन कर सकते थे कि कितना ज़्यादा जंप हो सकता था। रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो रेवेन्यू में भी यहाँ पर अच्छी जंप आई है। अगर हम देखें यहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा है, एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, बट कंपैरेटिवली इसने उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि कंपनीज जो होती है वो नॉर्मल स्टेज के ऊपर ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। अगर हम बर्गर किंग के बारे में देखें तो बर्गर किंग बहुत बड़ी कंपनी, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सपेंडिचर होता है, जो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर वो ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मार्च 31 तक का ये जो पूरा ईयर का पीरियड है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था बट प्रॉफिट नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रोथ के ऊपर ऑब्वियसली इनका फोकस रहा होगा। ये मैं बस फाइनेंशियल्स देख के ही बता सकता हूँ, बट यहाँ पर अगर हम देखें वही ग्रोथ की वजह से इन्होंने यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ाया और प्रॉफिट भी बढ़ाया। सो दिस इज़ अ साइन कि यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा ठीक से काम कर रहा है। सो ये बात देख के एक अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वे लगता है कंपनी के ऊपर कि हाँ कंपनी ग्रोथ कर रही है इन अ वेरी गुड वे। ओके, सो अभी क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले हम डाटा के लिए रुकेंगे। फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन डेटा
यहाँ पर, और ऑल्सो यहाँ पर लोगों का क्या यहाँ पर व्यू है सब्सिट्यूशन के टाइम, क्योंकि तब यहाँ पर व्यू समझेगा लोगों का क्या है, ग्रे मार्केट प्राइस स्पेशली तब क्या है वो उस टाइम पे। अभी अगर हम देखने जाओ तो ऊपर नीचे होती रहती है, मोस्टली कुछ कुछ फेक भी होती है, इसलिए उस टाइम पे प्रॉपरली सब कुछ आएगा, उस टाइम हम डिसाइड करेंगे लेना है नहीं लेना है। IPO ओपन होगा 15th of February को, 16th को मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा सुबह 9:30 AM को कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए बाय एनालाइजिंग द फर्स्ट डे, तो उसके बाद हम यहाँ पर जाके डिसीजन लेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। ओके, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आ चुका होगा। इट्स अ होस्ट साइनिंग ऑफ।